हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में इस वीडियो में हम नोटपैड से जुड़े कुछ एम करने वाले हैं तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टेक्स्ट एडिटर या उपरोक्त सभी तो इसका जो आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी टैक्स एडिटर नोटपैड एक टैक्स एडिटर सॉफ्टवेयर है नोटपैड में टाइटल बार कहाँ पर होता है पेज के नीचे पेज के ऊपर पेज के बीच में या कहीं नहीं होता है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पेज के ऊपर नोट के फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है एक्सल फाइल डॉक्यूमेंट्स अनटाइटल्ड तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी नोट में रिप्लेस करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच कंट्रोल प्लस जी कंट्रोल प्लस एल या कंट्रोल प्लस जेड तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस एच नोट में फॉन्ट की डिफॉल्ट कम से कम कितनी साइज़ होती है पाँच छः सात या आठ तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आठ सॉरी डी आठ निम्न में से टेक्स्ट एडिटर है पेंट माई कंप्यूटर नोट पैड या उपरोक्त सभी तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नोट पैड नोट पैड में सभी टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस जेड तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ए नोटपैड में कट करने के की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस सी बोथ ए और बी कंट्रोल प्लस एक्स तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एक्स नोट में निम्न में से कौन सा ऑप्शन व्यू मेन्यू में होता है रूलर बार स्टेटस बार फॉर्मेट बार या उपरोक्त सभी तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेटस बार नोट में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस एल कंट्रोल प्लस पी तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस पी नोटपैड में पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस वी कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस एक्स या उपरोक्त तो सभी तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस वी नोटपैड में समय और दिनांक को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है अल्ट प्लस एफ ट्वेल्व अल्ट प्लस एफ टू वन एफ फाइव अल्ट प्लस एफ सिक्स तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एफ फाइव नोट पैड में अगर किसी टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एल कंट्रोल प्लस एन कंट्रोल प्लस ओ कंट्रोल प्लस एफ तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एफ निम्न में से कौन सा ऑप्शन नोटपैड के मेनू बार में नहीं होता है फाइल एडिट फॉर्मेट या इंसर्ट तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा इंसर्ट नोटपैड में फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड में से कौन सी की का यूज़ करते हैं अल्ट प्लस एफ टू शिफ्ट प्लस एस अल्ट प्लस एस कंट्रोल प्लस एस तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एस नोटपैड की फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है इनमें से नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन बताना है डॉट पी पी टी डॉट पी डी एफ डॉट एक्स एम एल डॉट टी एक्स टी तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी डॉट टी एक्स टी नोटपैड में फाइन नेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की यूज़ की जाती है एफ एलेवन एफ टेन एफ एट एफ थ्री तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एट डी एफ थ्री निम्न में से कौन सा ऑप्शन नोटपैड के फॉर्मेट बार में नहीं होता है वर्ड रैप फॉन्ट एडिट या उपरोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा एडिट रन कमांड के द्वारा नोटपैड को ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है नोट पैड नोट्स नोटपैड प्लस प्लस या नोट्स तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए ए नोटपैड पेज सेटअप नोटपैड के किस मेनू में होता है व्यू मेन्यू इंसर्ट मेन्यू फाइल मेन्यू या फिर फॉर्मेट मेन्यू तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी फाइल मेन्यू न्यू फाइल के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है विंडोज़ की प्लस एन अल्ट प्लस एन शिफ्ट प्लस एन कंट्रोल प्लस एन तो आंसर होगा यहाँ पर डी कंट्रोल प्लस एन नोट से एग्जिट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एफ फोर विंडोज़ की प्लस एफ फोर शिफ्ट प्लस एफ फोर या अल्ट प्लस एफ फोर तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस एफ फोर पुरानी फाइलों को फाइल को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एन शिफ्ट प्लस ओ अल्ट प्लस ओ कंट्रोल प्लस ओ तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस ओ नोटपैड में मेनू बार होता है स्टेटस बार के नीचे टास्क बार के नीचे बॉटम बार के राइट की ओर टाइटल बार के नीचे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी टाइटल बार के नीचे नोटपैड में स्टार्ट बटन किस बार में होता है स्टेटस बार टास्क बार बॉटम बार या टाइटल बार तो स्टार्ट बटन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा टास्क बार टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है नोट पैड में पेज सेटअप ऑप्शन किस मेन्यू में होता है एडिट मेन्यू व्यू मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू या फाइल मेन्यू तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा फाइल मेन्यू नोट पैड विंडोज सेवन में ओपन करने के की सही स्टेप है एमएस ऑफिस ऑल प्रोग्राम एसेसरीज नोट पैड स्टार्ट माई कंप्यूटर्स एसेसरीज नोट पैड स्टार्ट स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स एसेसरीज नोट पैड या फिर स्टार्ट एस एस सीरीज ऑल प्रोग्राम्स नोट पैड तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो, होगा वो ऑप्शन नंबर सी स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स एसे सीरीज और फिर नोट पैड नोट पैड में पेज मार्जिन कितने प्रकार की होते हैं दो चार पाँच तीन तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा चार नोट पैड में पेज पर ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं दो चार पाँच तीन तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा नोटपैड में कितने मेनू होते हैं दो चार पाँच या फिर तीन तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा पाँच पाँच मेनू होते हैं नोट में फोन किस मेनू का ऑप्शन है एडिट मेनू फॉर्मेट मेनू, प्रिंट मेनू या व्यू मेनू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा फॉर्मेट मेनू नोटपैड में फाइल मेनू में कितने ऑप्शन होते हैं दो चार दो सात पाँच बिच छः तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सात नोटपैड में टेक्स्ट एरिया में ब्लिंक करने वाली लाइन को क्या कहते हैं लाइन कर्सर चिन्ह या उपरोक्त सभी तो इसका जो आंसर है वो मैं यहाँ वो मैं नीचे कमेंट करके बताना है और इस पोस्ट का लिंक हम हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ पर जाकर आप एक बार फिर इस पोस्ट को रिवाइज़ कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें धन्यवाद